बीकानेर जिले के खाजुवाला बॉर्डर पर सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे जवान धोरों में हरियाली के लिए लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। देश सीमा की सुरक्षा के साथ बीएसएफ ने इन दिनों बॉर्डर क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए कमर कस ली है। लंबे समय से थार के रेतीले टीलों के बीच बीएसएफ द्वारा पौधारोपण को लेकर समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। वे पौधारोपण के बाद उनकी सार संभाल हुए रख रखाव की जिम्मेदारी बीएसएफ के जवान ले रहे हैं। सीमा पर ड्यूटी के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जवान तत्पर नजर आ रहे हैं। यहां बॉर्डर पर बीएसएफ की प्रत्येक बीओपी पर हरियाली नजर आने लगी है। बीएसएफ ने अब तक हजारों पौधे रोपित कर दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल में स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चों द्वारा नीम, बेरी, बड़वे, पीपल तथा खेजड़ी सहित दर्जनों प्रजातियों के 500 पौधे लगाए तथा 1500 पौधे अधिकारियों व जवानों द्वारा कैंपस में लगाए गए। भारत पाक की पश्चिमी सरहद पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। रेतीले धोरों पर हरियाली विकसित करने के लिए बीएसएफ एक साल से लगातार काम कर रही है। बीएसएफ के जवानों ने सीमा चौकियों पर पौधारोपण करने के साथ साथ ग्रामीणों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। 114वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल अब तक करीब 27,000 पौधे कमांडेंट हेमंत कुमार यादव के निर्देशन में लगा चुका है, जो यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में हरियाली का सपना साकार करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बॉर्डर की हर बीओपी पर पौधारोपण किया गया है। प्रत्येक बीओपी पर वर्तमान से अधिक पौधे लगाए गए हैं। ऐसे में रेतीले टीलों पर हरे रेगिस्तान के साथ बड़े स्तर पर पौधे नजर आएंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह बड़ा कदम होगा। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कमांडेंट प्रताप भानु भाकर ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी परवरिश करनी चाहिए। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे कदम उठाते रहना चाहिए, तभी हवा पानी को बचाया जा सकता है। इस अवसर पर बाबा सुमन ध्यानी, संतोष भाकर डिप्टी कमांडेंट, प्रताप भानु भाकर डिप्टी कमांडेंट, विनोद बरसरा डिप्टी कमांडेंट, अजय वीर सिंह डीसीजी, एस पाठक डिप्टी कमांडेंट, पी चौहान, अन्य अधिकारी वे जवान और केंद्रीय विद्यालय बच्चे एवं स्टाफ मौजूद रहा। RPD न्यूज राजस्थान बीकानेर जिले से बिरबल कड़वा की रिपोर्ट।